जब बाबा जी के दोस्त को सहारनपुर के एक बनिए ने सुनाई पुनर्जन्म की कहानी, आज के इस वीडियो में हम इसी साकी के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी दर्शकों को, राधा स्वामी जी। बाबा सावन सिंह जी महाराज अपने जीवन का एक किस्सा बताते हैं कि जब मैं रावलपिंडी गया तो वहां मेरा एक दोस्त था, उसने यह सारा वृतांत मुझे सुनाया। यह सारा वृतांत कुछ इस प्रकार था। रावलपिंडी में एक सिपाही था जो एक रिसाले में नौकर था। काबुल की ओर पठानों ने कुछ झगड़ा फसाद किया तो आला अधिकारियों ने उसकी रोकथाम के लिए एक दस्ते को भेजा जिसमें वह सिपाही शामिल था। जब वे वहां पर पहुंचे तो दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। सिपाही की घोड़ी पागल हो गई और सिपाही की सारी कोशिशों के बावजूद वह उसे दुश्मनों की फौज में लेकर घुस गई। वहां पठानों ने 5-6 गोलियां घोड़ी को और 5-6 गोलियां सिपाही को मारी जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। फौज का यह नियम था कि फौजी दस्ते के राशन का ठेका बनिए के पास होता था। सिपाही के कोई बाल बच्चे नहीं थे और उसके नगद पैसे बनिए के पास अमानत के तौर पर जमा थे। उसकी मौत के बाद सरकार ने उसके वारिसों को सूचित किया जिन्होंने आकर उसकी तनख्वाह और सामान ले लिया, लेकिन जो 2000 रुपए बनिए के पास जमा थे उनके बारे में वारिसों को पता नहीं था। बनिए ने उस पैसे को अपने हिसाब में शामिल कर लिया और चुपचाप अपने पास रख लिया। कई साल बाद बनिए का ठेका बदल गया और वह अपने घर पर वापस आ गया और वहां उसने दुकान खोल ली। लगभग 20 साल बाद जब बाबा जी का दोस्त अपने कुछ साथियों के साथ हरिद्वार गया तो वापसी में सहारनपुर में उसकी मुलाकात उसी बनिए से हुई। बनिए ने उन्हें पहचान लिया और रात को अपने घर पर ठहरने का आग्रह किया। रात को बनिए ने बड़े तकल्लुफ का खाना बनाया और परोसकर बाबा जी के मित्र के सामने रखा। जब वे खाना खाने लगे तो नजदीक से ही एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। जब उन्होंने बनिए से पूछा कि यह कौन स्त्री रो रही है तो उसने कहा कि आप इस पर ध्यान मत दो, आप आराम से खाना खाओ। लेकिन मित्र ने जोर देकर कहा, पहले मुझे सच सच बताओ तभी मैं खाना खा पाऊंगा। मजबूरन बनिए ने सारा किस्सा सुनाया। उसने कहा कि यह मेरी विधवा बहू की चीखने चिल्लाने की आवाज है। कुछ दिन पहले ही मेरे लड़के की मृत्यु हो गई थी और वह उसे याद करके रोती रहती है। बाबा जी के मित्र ने यह सुनकर कहा कि तेरे लड़के की मौत हो गई है और तू हमें इतने तकल्लुफ का खाना खिला रहा है, तूने हमें इस बारे में जिक्र भी नहीं किया। कुछ देर की बातचीत के बाद बनिए ने कहा कि सुनो, मैं आपको अपना पूरा वाक्या बताता हूँ। 20 साल पहले जब मैं रावलपिंडी से ठेका छोड़कर आया तो यहाँ आकर मैंने शादी की। एक साल बाद मेरे घर पर एक लड़का पैदा हुआ, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी करवाई। शादी के बाद मेरा लड़का बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हकीम और डॉक्टरों से मैंने उसका इलाज करवाया लेकिन उसकी हालत दिनों दिन गिरती गई। आखिरकार डॉक्टर और वैद्यों की दवाओं से निराश होकर मैंने एक मुल्ला जी को बुलाया। उसने दुआ की और उस वक्त मेरी जेब में 2.5 रुपये थे जो मैंने उसे दे दिए और देने का वादा किया। जब मुल्ला जी चले गए तो मेरे लड़के ने कहा कि अब मुझे पक्का आराम मिल गया है। मैंने उससे पूछा कि पक्के आराम से तुम्हारा क्या मतलब है, तो उसने जवाब दिया कि 20 साल पहले मैं तुम्हारे पास अपने 2000 रुपये छोड़कर फौज में मर गया था, अब मैंने तुमसे अपने सारे पैसे वसूल कर लिए हैं और वह जो मेरी औरत है वह वही घोड़ी है जो पागल होकर मुझे दुश्मनों की फौज में ले गई थी, अब मैंने उसके बदले में उसकी सारी उम्र के लिए उसे विधवा छोड़ दिया है। यह वृतांत सुनाकर बनिए ने कहा कि अब सिपाही मर गया रोती है घोड़ी, अब सिपाही मर गया रोती है घोड़ी, मैं किसको रोऊं, सिपाही को या घोड़ी को, इसलिए आप इन सब बातों पर ध्यान मत दें और खाना खाएं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब बहुत सूक्ष्म और विस्तृत होता है। हर कार्य का परिणाम होता है और वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौटकर अवश्य आता है। सिपाही का पुनर्जन्म और घोड़ी की विधवा बनने की कहानी यह दर्शाती है कि जीवन और मृत्यु का चक्र हमारे कर्मों से बंधा है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ सही व्यवहार करना चाहिए क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।
कर्मों का हिसाब परमात्मा के न्याय में निश्चित है और यह सिखाता है कि जो भी हम करते हैं वह हमें किसी न किसी रूप में लौटकर मिलता है। यही सत्य जीवन का मूलाधार है। आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई साखी के साथ। परमात्मा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।